हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, स्वस्थ होंगे और नाम जप अपना ज़रूर से कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्यूअर्स ना, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा। तो देखिए पहला मैसेज आया है यहाँ पे चंद्र देवता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चंद्र देवता जो होते हैं वो आप बहुत ही शीतल होते हैं ना, बहुत ही उनका जो एक शीतल स्वभाव होता है वो यहाँ पे आप आपकी जो मन में है ना, जो एक बहुत नेगेटिविटी जिसे कहते हैं ना, नेगेटिव मींस आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो वो मैंने देखिए अभी 111 देखा है, तो डेफिनेटली जिन भी व्यूअर्स के लिए है ये मैसेज उन तक ज़रूर यूनिवर्स पहुँचाएंगे। तो आपके मन में जो एक बहुत उथल पुथल सी मची हुई है ना, वो उथल पुथल बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना। आप क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइन जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, डिवाइन ईश्वर के बहुत भक्त हैं। यहाँ पे आप नाम जप करते हैं या जिस भी तरीके से अपने ईश्वर को याद करते हैं ना व्यूअर्स, उससे क्या हो रहा है कि आपको जो एक मन की शांति होती है ना वो मिल रही है। जो हम चीज़ों में जो शांति मिलती है ढूंढते हैं ना, वो जो खुशियाँ ढूंढते हैं वो चीज़, वो हमें वो सोल सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। जो हमारे मन को जब शांति मिलती है वो वाली शांति होती है ना, वो आपको यहाँ पे मिल रही है। और जब आप यहाँ पे पीस ऑफ माइंड में आ रहे हैं, जब आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं पीस ऑफ माइंड के ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान पूरे दिन लगा रहता है, काम करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ करने के बाद, अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल करने के बाद भी अगर मन की शांति नहीं मिल रही है तो फिर जो पाया नहीं पाया सब एक ही बराबर हो जाता है ना। तो बस वही चीज़ आपको मिल रही है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की व्यूअर्स, कि आपको यहाँ से इस एनर्जी से निकाला जा रहा है ना। आप एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे थे, तो इस एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है। और जो कन्फ्यूजन था किसी चीज़ के लिए, उससे आपको यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो किसी मेंटल इलनेस जिसे कहते हैं ना, मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सही नहीं थी, किसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, स्ट्रेस्ड हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, है ना। कुछ भी हो सकता है, ये कोई कनेक्शन का हो सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, या आपके पर्सन आप से सेपरेशन में हो, आप अपने पर्सन से, या आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप सोल शॉक पीरियड से गुजर रहे हैं, ओके, अगर आप डिवाइन जर्नी के स्टार्टिंग के फेज़ में है, तो स्टार्टिंग का फेज़ जो होता है बबल फेज़ के बाद एक सेपरेशन जो आता है वो सोल शॉक का होता है, ओके। तो ये सोल शॉक का पीरियड व्यूअर्स आपको दिया गया है ना, अगर आप इस जर्नी में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखें, ओके। तो आप धीरे धीरे कर पाएंगे, क्योंकि सभी डिवाइन फेमिनाइंस जो होती हैं उनका स्टार्टिंग में यही फेज़ रहता है और वो कर पाती हैं। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा अपने आप को वक्त देना होता है। आप इस वक्त अपने काउंटर पार्ट पर ध्यान ना दे करके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने चक्रास को हील करने के ऊपर काम कीजिए, है ना। चक्रास को हील कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, और आप जैसे जैसे काम करते हैं अपने ऊपर, आपको यहाँ पे ओम नमः शक्ति शिवाय जो अर्धनारेश्वर भगवान है उनका आपको मंत्र चैंटिंग करने का भी गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। तो आप ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्र का आप चैंट कीजिए डेली, है ना, जितना भी आप कर सकें, लेकिन पूरा फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको कंटिन्यूसली करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं, और ये भी नहीं सोचना है कि कितने टाइम तक करना है, आपको करते ही रहना है, ओके। और जब आप कंटिन्यूसली करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे कि आप अपने आप में बैलेंस फील करेंगे, ओके। ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा, जर्नी थोड़ी हार्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे इसे, मतलब आपको इस फेस को एक्सेप्ट करते हुए चलना है कि यस, ये भी जर्नी का एक पार्ट है और ये भी निकल जाएगा, ओके। क्योंकि ये हर फेज़ आता है और निकलता भी है इस जर्नी में,
तो ये भी जर्नी का ही एक पार्ट है, निकल निकल जाएगा बहुत जल्दी। तो आप इसे बस इस वक्त को यूटिलाइज कीजिए अपने ऊपर, ओके। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स के। और नित्यानंद प्रभु, तो देखिए यहाँ पे आप ना, आप डिवाइन जर्नी, आप डिवाइन सोल्स हैं, बहुत ही प्योर सोल्स हैं। आप जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है ना व्यूअर्स, आप तक ये वीडियो आया है, तो यहाँ पे ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर हैं, है ना। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डेफिनेटली हैं। और बाकी जो भी व्यूअर्स इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, तो आप यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं और आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ही आए हैं। और मैंने जब ये कहा है तो आप ट्रिपल, मैंने 555 देखा है, ओके। तो जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, तो आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं या ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और ये क्यों, आप ये किस तरीके से कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईष्ट का नाम जप, ये नाम जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप भक्तों की कथाएं सुनिए, उनके वीडियोस देखिए, आप जिनको भी, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील हो ना, जो भी आप पुरानी कथाएं सुनिए उनके, उन्होंने किस तरीके से ईश्वर से अपने आप को जोड़ा, किस तरीके से अपने आप को उन्होंने भक्ति में रमा दिया था पूरी तरीके से, ने भक्ति में किस तरीके से हुए वो, तो ये आपको समझ में आएगा, ओके। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तिमय जो प्रसंग होते हैं उन्हें सुनने के लिए कहा जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, ओके। और जो व्यूअर्स यहाँ यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे आप वननेस की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपको ये थॉट जो है सेपरेशन वाला, जो कॉन्शियसनेस है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है वो कह सकते हैं डेंजरस होता है। डेंजरस वर्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही जो होता है, ये जो वर्ड सेपरेशन वाला जो कॉन्शियसनेस है ना, वो यहाँ पे आपका 3D में सेपरेशन भी मैनिफेस्ट कर देता है, ओके। क्योंकि आप कंटिन्यूसली यही सोचते रहते हैं कि आप सेपरेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, बट सेपरेशन जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है ना व्यूअर्स। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ऑलरेडी, अगर आपको इस चीज़ का कंसेप्ट पता है, तो आप ऑलरेडी वन हैं, आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, आप ऑलरेडी वन सोल हैं जो कि टू सोल्स में डिवाइड की हुई है, यूनिवर्स ने किसी पर्पज से डिवाइड की है, ओके। तो आपको इस कॉन्शियसनेस में रहना है व्यूअर्स कि आप वन हैं, आप एक हैं, आप यूनाइटेड हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कॉन्शियसली अपने आप को ये अफर्मेशन दीजिए कि वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड। एवरी टाइम आप अपने आप मन में इसे चेंट करते रहिए, है ना, ताकि आप सेपरेशन के कॉन्शियसनेस से बाहर निकलें। आपको इस समय इस सेपरेशन का जो कॉन्शियसनेस आपके माइंड में बैठ गया ना, जो पेन आप लेके बैठे हैं, इसे इससे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। और जैसे ही आप इस थॉट से निकलते हैं ना, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में मैजिक ज़रूर होगा, ओके। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, ओके। और व्यूअर्स जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, तो यहाँ पे आपको आपको है ना मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा आपको करना है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, है ना। या फिर आप जिस भी तरीके से कर सके, अगर आप किसी और चीज़ से नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप नाम जप कर दीजिए ना, जिनके लिए भी आपको इंट्यूटिवली फील हो, या आपके आसपास कोई ऐसी सोल हो, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा प्राणी हो, पशु पक्षी हो, जिसे आपके हेल्प की ज़रूरत हो। अगर आप उसे फिजिकली कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो उसके नाम का नाम जप कर दीजिए, उसका फल उसे दे दीजिए, उसकी जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाए, ईश्वर उसको जिस तरह की भी सहायता की ज़रूरत हो वो सहायता प्रदान करें। तो इस चीज़ के लिए, इस इंटेंशन से भी आप नाम जप का फल उन्हें दे सकते हैं, ओके। और उसी के साथ में आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आपकी भक्त, जब ये कार्ड आया है नित्यानंद प्रभु जी, तो यहाँ पे वो तो अनन्य भक्त थे ईश्वर के, तो और यही आप उसी पाथ पर चल रहे हैं, ओके। आप उसी पाथ पर चल रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, और जब आप नाम जप कर रहे हैं तो आपकी भक्ति जो है वो बढ़ रही है, आप भक्ति के, आप मतलब भक्तिमय हो रहे हैं ना। और जो व्यूअर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, यहाँ पे आपकी पर्सन की भी अवेकनिंग जो है वो
चल रही है। अगर आपके मन में ये सवाल था, ये डाउट था कि क्या आपके पर्सन की, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट भी हुई है कि नहीं हुई है, तो यस, ये आज मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स ये कंफर्म कर रहे हैं, डिवाइन कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपके पर्सन भी डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, आपके साथ साथ ही, आपके पीछे पीछे ही, आपका हाथ पकड़ते हुए ही, भले ही आपको 3D में नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली वो आपके साथ साथ स्पिरिचुअल पाथ पर निकल चुके हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट मैसेज। ओके, नित्यानंद प्रभु जी के बाद में यहाँ पे लॉर्ड कपिला अगेन, यहाँ पे भक्ति का ही कार्ड आया है। तो आपकी भक्ति तो बढ़ ही रही है आपको यहाँ पे, और जो व्यूअर्स नाम जप नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्हें नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप युगल मंत्र जो होते हैं, जैसे राधा कृष्ण, शिव शक्ति जी का मंत्र, ओम नमः शक्ति शिवाय, इस सीताराम, इस तरीके का नाम जप आप करिए। ओके, वो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। और उसके साथ में ही यहाँ पे जो जिन भी व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुँच रहा है, तो यहाँ पे आप जो है ना मोक्ष प्राप्ति के जर्नी में तो हैं ही, और साथ ही यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भक्ति का कुछ ऐसा अनुभव यहाँ पे ईश्वर करवाने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, है ना। बहुत एक अनएक्सपेक्टेड आपको अनुभव यहाँ पे आपकी भक्ति में हो सकता है, भक्ति के मार्ग में हो सकता है, हो सकता है आपको मेडिटेशन के दौरान कुछ ऐसे अनुभव हो जाएं, ईश्वर ही आपको दर्शन दे दे, इस तरीके का मुझे इंट्यूशन आ रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए। तो यस, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और जब मैं ऐसे कह रही हूँ तो यहाँ पे 1144 एंजल नंबर मुझे शो हुआ है, तो इस बात का कंफर्मेशन है कि आपको डिवाइन के कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके साथ में यहाँ पे है ना आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें आपकी मास्टरी हो रही है। जो काम आप करने वाले हैं, या तो आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि क्या आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आपको अपनी स्किल्स पर ही डाउट हो रहा है, तो आपको इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स, देखिए मैंने अभी 222 देखा अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ही कन्फर्म कर रहे हैं अगेन इस बात का कि आप ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, बस आप जो करना चाहते हैं वो करना शुरू कीजिए, है ना। एक बार आप करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके जो भी काम है उसमें आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ में यहाँ पे जो व्यूअर्स कुछ साइंस से रिलेटेड एजुकेशन में है, अगर यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं और अपने स्टडीज से रिलेटेड कोई उनका सवाल है, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको यहाँ पे फोकस के साथ स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, थोड़ा आप जल्दी उठिए सुबह, और थोड़ा 10 मिनट्स आप मेडिटेट कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप फोकस्ड होके अपनी स्टडीज़ को कर सकें। हो सकता है कुछ व्यूअर्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जो फोकस नहीं बना पा रहे हों और इस वजह से वो काफ़ी परेशान हों, तो आपको व्यूअर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा जल्दी उठिए, है ना, और 10 मिनट्स आप सुबह जल्दी उठ कर के मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, है ना। आप जो भी कर सके, भस्त्रिका कर सके तो वो कीजिए, लेकिन 10 मिनट्स आप जल्दी उठिए, और ये करना आपके लिए ज़रूरी है। और आप जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फोकस ज़रूर बनेगा, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है व्यूअर्स, है ना, ये कोई भी कर सकता है। आप अनुलोम विलोम डेली करते हैं तो उससे आपका क्या होगा कि आपका इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होता है, आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज है उनका फ्लो होने लगता है। ओके, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लगती हैं, और जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होने लगेंगी तो यहाँ पे आपका फोकस बढ़ेगा और आपका इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होता है। ओके, तो ये आप करना यहाँ पे शुरू कीजिए, गाइडेंस है आपके लिए आज आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए आज, क्या मैसेज है और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उसके बाद यहाँ पे नटराज, वाओ थैंक यू सो मच। तो नटराज तो यहाँ पे शिवा का ही रूप है ना, शिवा को ही नटराज कहते हैं, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको फियरलेस होने के लिए कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप डरिए मत,
आप जो भी काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल निडर होके करिए, आगे बढ़िए। जो नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं या जो भी है आपके मन में, जो भी है आप जो शुरू करना चाहते हैं ना कुछ, वो बिल्कुल निडर होके करिए। ओके, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो आपको, आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, वो यूनिवर्स की इच्छा है, वो यूनिवर्स का डिवाइन प्लान है, तो वो होना ही होना है, उसमें आपको डाउट नहीं करना है। आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, इसलिए आप उसे फियरलेस होकर के बिल्कुल निडर होके करिए। ओके, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप अपने ईश्वर से गाइडेंस मांगिए। आपको यहाँ पे सवाल, आपके गाइडेंस के लिए ईश्वर रेडी है, लेकिन आपको सिर्फ उनसे हेल्प मांगनी है। ओके, आपको ये कहा जा रहा है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ओके, मुझे ये कार्ड याद आ रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक कार्ड आता है जिसमें मैसेज लिखा होता है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो यस, आपको ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर से हेल्प मांगिए, आपको जिस भी तरह की गाइडेंस चाहिए ना, वो गाइडेंस आपको तुरंत मिलेगी। वो किसी भी थ्रू हो सकती है, आपको यूट्यूब के थ्रू कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा अचानक से, जो आपके मन में कोई सवाल होगा उसका जवाब होगा, या कहीं ना कहीं से कोई आपको आर्टिकल दिख जाएगा, या कोई बुक में आपको ऐसा मैटर मिल जाएगा जिसमें आपके सवाल का जवाब हो। ओके, लेकिन आपको हेल्प मांगनी है, आप हेल्प मांगिए, आपको जहाँ पर भी जिस भी तरह की हेल्प मांगना चाहते हैं। और जो व्यूअर्स यहाँ पर म्यूज़िक में और डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक में, सिंगिंग में, तो यहाँ पे या डांसिंग में है ना, ये आपका पैशन है और आप बहुत पसंद है आपको, तो ये आपको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने स्टॉप किया, आप नहीं कर रहे हैं, तो उसे करना शुरू कीजिए, ये करना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ पाथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए यहाँ पे। और मुझे ये भी इंट्यूशन आई कि आपके सोल पर्पस से भी कनेक्टेड होगा आगे, अगर आप यहाँ पे डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, आपके पैशन है, आप तो उसे फॉलो कीजिए ना, आप समय निकालिए उसे। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो किसी भी तरीके से थोड़ा समय अपने पैशन को भी दीजिए, है ना। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ तो निकल ही जानी है, जैसे तैसे कर ही रहे हैं, सभी कर्मास कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ समय आप अपने लिए निकालिए। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत हीलिंग मिलती है। आप यूँ कह सकते हैं कि मेरा पैशन है, मुझे कुछ आता नहीं है, जो भी होता है सब यूनिवर्स के ही मैसेजेस होते हैं, यूनिवर्स ही करवाते हैं, डिवाइन ही करवाते हैं, लेकिन जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है ना। तो वही चीज़ आपको भी करनी है व्यूअर्स, जो आपको अच्छा लगे ना वो यहाँ पे, उसके लिए आपको समय निकाल के करना ही करना है बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। और देखिए अगेन यहाँ पे आज नटराज जी के साथ, शिवा के साथ यहाँ पे गणेश आए हैं, तो नई शुरुआत आप बिल्कुल करिए, निडर होके करिए, और आप जब करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, तो जब, और ये जो सक्सेस होगी ना, एकदम धमाकेदार सक्सेस होगी आपकी, ऐसा आप, मुझे इंट्यूशन आ रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसा कह रहे हैं। तो यस, आप बिल्कुल करिए, और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको अपना कर्म करना है, प्रोटेक्शन लेके रखिए, है ना, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं ना व्यूअर्स, तो नेगेटिविटी भी हमें मैनिपुलेट करने का काम करती ही है, क्योंकि वो उसका काम है ना। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेना है। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पर है, डिवाइन जर्नी में है, भक्ति के मार्ग पर भी हैं इवन, तो प्रोटेक्शन लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं कभी भी कहीं पर भी। जो मैं गाइड करती हूँ वो तो ये आप जानते ही हैं, बजरंग बाण और दुर्गा कवच के द्वारा आप प्रोटेक्शन लेके रखिए हर वक्त, एटलीस्ट आप 2 टाइम तो लीजिए, सुबह और रात में सोने के टाइम पर, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे हर तरह की नेगेटिविटी से। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं ना व्यूअर, तो आपके रिलीजन में भी कोई ना कोई प्रार्थना, कोई प्रेयर, कोई चैंट, कोई मंत्र ज़रूर होगा जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दे। इस तरीके का आप अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो सर्च कीजिए, है ना, आप कहीं ना कहीं से, आप अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए कि आपको ऐसा कोई ना कोई मंत्र, कोई प्रेयर प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप एंजल्स को मानते हैं तो एंजेलिक प्रोटेक्शन ले, आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन ले, बट प्रोटेक्शन ले यहाँ पे वो मैंडेटरी है। बट मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप बजरंग बाण, आप किसी भी रिलीजन से हैं तो बजरंग बाण तो आप कर ही सकते हैं ना, बुक से नहीं पढ़ सकते तो आप वीडियोज़ आजकल यूट्यूब में भी बहुत सब हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप अगर किसी और भी रिलीजन से हैं तो उसमें आप बजरंग बाण और दुर्गा कवच आप सुन लीजिए बस वीडियोस के थ्रू, तो
उसमें आपके भगवान जी कोई नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, है ना। तो भगवान तो सब एक ही है, यूनिवर्स तो एक ही है, डिवाइन एक ही है। हमने ही सिर्फ अलग अलग धर्म बनाए हुए हैं। तो आप सुन सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनिए, अगर आपको पॉजिटिव फील हो तो कंटिन्यू रखिए, है ना व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स, ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। ओ माय गॉड, देखिए नटराज के साथ यहाँ पे अगेन अनएक्सपेक्टेड, नटराज के साथ यहाँ पे अगेन नरसिम्हा, वाओ। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखिए, ये कार्ड इसीलिए आया है जो आप नई शुरुआत करेंगे। जब मैं नेगेटिविटी की बात कर रही थी ना, तो उस नेगेटिविटी का तो संहार इस तरीके से करेंगे ईश्वर। देख रहे हैं आप, ये आपके मार्ग में जो आप काम करना चाहते हैं, जो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या जिस भी तरीके से आप कोई काम करना चाहते हैं ना, भले ही आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस मार्ग में भी जो भी आपको रोकने की कोशिश करेगा ना, उसका ये हश्र होगा। ओके, इस तरीके से उसका संहार किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, बिल्कुल भी चिंता ना करें कि जो भी आप शुरू करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, है ना, अगर आप भक्ति के मार्ग पे बढ़ रहे हैं और नेगेटिविटी आपको रोकने की कोशिश कर रही है, तो आपको रोक नहीं पाएगी वो। आप प्रोटेक्शन लीजिए, आपको यहाँ पे इस तरीके की प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। देखिए, और मैं जब कह रही हूँ तो यहाँ पे 21-21 मैंने देखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। ओके, आप अपने जर्नी के फेज में आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोटेक्शन लेके रखिए व्यूअर्स, प्लीज़, है ना। तो व्यूअर्स, ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस, बहुत ही बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत धमाकेदार एनर्जीज के साथ। धमाकेदार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नटराज आए हैं, गणेश आए हैं, नरसिम्हा भगवान जी आए हैं, तो और उसके साथ में यहाँ पे देखिए शिला प्रभुपाद और नित्यानंद जी। तो यहाँ पे आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आपका मन का कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो जगलिंग जो चल रही थी ना आपकी किसी चीज़ के लिए, वो जगलिंग यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और साथ में नेगेटिविटी का तो संहार हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके, आपकी जर्नी में इवन। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आपको अच्छी लगी हो, अभी मैंने 22-22 देखा है अगेन, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो ये रीडिंग जिन तक भी पहुँचेगी, तो ये व्यूअर्स टाइमलेस रीडिंग है, और डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए ना। आपके लिए स्पिरिट गाइड्स सिर्फ आप ही को मैसेज देने के लिए आते हैं, ताकि आप वो आपको हमेशा हैप्पी हैप्पी देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको इतनी प्यारी गाइडेंस देने के लिए आए हैं स्वयं यहाँ पे। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी आके ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।